स्कूल जो है पाकिस्तान का है। अगर सिविलियन थोड़ा गलत हरकत करेगा तो फौज भी गलत करेगा। थोड़ा आगे जाएगा तो ऊपर से पत्थर मारता है हमको। कौन मारता पत्थर? पाकिस्तान। ऊपर से शेलिंग आता था, गोला गिरता था, सामने लगता था। तो आप लोग क्या मतलब जॉब वगैरह करते हो कि खेती बाड़ी? यहाँ पे यहाँ तो खेती बाड़ी करता है, जॉब भी करता है भैया। लोगों का ना गांव पाकिस्तान से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। लैंडस्लाइड हुआ है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। इस टाइम मैं त्यापसी में हूँ। कल रात को हम लोग ना थांग जा रहे थे तो आर्मी वालों ने हमको ना परमिशन नहीं दी थांग में जाने की, तो हम लोग त्यापसी में रुक गए। एक हमने होम स्टे लिया था उसी में हम रुक गए और अभी हम लोग जा रहे हैं त्यापसी के लिए। निकल रहे हैं, खाना वाना खा लिया, खुद ही कुक किया था। आपको आज लेके चलेंगे त्यापसी गाँव में, दिखाएंगे त्यापसी के लोग कैसे है, क्या उनका कल्चर है, किस तरह के लोग होते हैं, फ्रेंडली है कि नहीं है, और त्यापसी क्यों खास है वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलो भैया, वेलकम टू बॉर्डर विलेज त्यापसी, पाकिस्तान द एज ऑफ इंडिया, इंडिया का आखिरी छोर में आपका स्वागत है। तो भाई, जो ये सामने रास्ता जा रहा है ये जा रहा है थांग के लिए, और ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये त्यापसी के लिए। तो त्यापसी कैसे जाएंगे? लोकल्स बोल रहे हैं कि जो त्यापसी का रास्ता है ना, ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है। कैसा सा रास्ता है? ओ माय गॉड, शायद बाइक तो निकल ही जाए, क्या पता, यहाँ पर रुकना मना है। भाई साहब, ऊपर देख रहे हो क्या, किसी जगह है। निकल जाएगी बाइक? हाँ, हटा लो, पहले हटा लो। आप थोड़ा जा पीछे करो, ये पत्थर आपके पास आ रहा है। भाई साहब, ये ना लैंडस्लाइड हुआ होगा, लैंडस्लाइड हुआ है। ये पूरा जोन ऐसी पूरा लैंडस्लाइड जोन है, कभी भी कुछ भी आ जाए ना, ऊपर से कुछ पता नहीं है। तो ये त्यापसी का रास्ता बनता है तो गांव वाले हटा रहे हैं सारे मिलके। ये हटाओ ना ये पत्थर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो निकल गया रास्ता। आप तो ऊपर, आपका कैफे है ना? हम लास्ट टाइम आए थे लास्ट ईयर। आप अच्छा जी, चलो ठीक है, वेलकम। हम लास्ट साल आए थे, हमने कहा था दोबारा जरूर आएंगे। भाई साहब को बता दिया कि नैनीताल वाले हैं करके। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ये इंडिया की लास्ट सड़क है, यहाँ से आगे इंडिया में सड़क ही नहीं है, तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत अनोखी बात है। अरे, जो सामने वाला पहाड़ी आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये पूरा पाकिस्तान है, और बाकी पाकिस्तान थोड़ा करीब से हम आपको कल दिखाएंगे थांग गांव से। त्यापसी में हमारा वेलकम खुमानी के साथ में। यहाँ पे खुमानी बहुत होती है आपको, वो देखो एक पेड़ वो लग रहा, एक पेड़ ये हमारा लौंडा गया वो तोड़ने के लिए। बहुत खुमानी है इधर, खुमानी खा खा के तो आप तुम्हारा पेट भर जाएगा इधर। थैंक यू खुमानी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उठा लेना। चलो भैया घुमाते हैं आपको त्यापसी गांव। लेकिन जब हम लोग आए थे ना, ऐसा लग रहा था कि भाई सुमसान सा है, कोई इस बार आ नहीं रहा, क्रेज खत्म हो गया त्यापसी का। लेकिन अब देखो भीड़ लग गई है, ठीक है। तो ये लोग जब तक आके गांव में हल्ला गुल्ला करते हैं, हम लोग पहले पहुंच के हल्ला गुल्ला कर देते हैं। वैसे लोग तो नीचे कह रहे थे ना कि त्यापसी में ना होम स्टे वगैरह नहीं है, तो हम अभी ने अपना सामान वगैरह लेके नहीं आए, हमने सामान वगैरह अपना नीचे ही छोड़ा हुआ है। तो अभी ऊपर पता करने के लिए हैं, थोड़ा सा टहलने के लिए हैं। तो अगर यहाँ पे कोई होम स्टे वगैरह होटल वगैरह होता है ना, तब अपना सामान लेके हम ऊपर आएंगे। ये गांव ना कभी पाकिस्तान के पास हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में ना ये गांव गवा बैठा और ये इंडिया में शामिल हो गया। ये भैया पीने का पानी है, प्योर पानी है, आप इसी से पीते आप लोग भी? हम यही पीते हैं, ये ग्लेशियर का पानी है, ये नेचुरली पानी ग्लेशियर से आ रहा है पानी, और ये पूरे गांव में ऐसे ही जाता है ना। और ये एक टैंक है सर, यहां पैक के लिए, तो इसमें प्लास्टिक लोग कूड़ा भी डाल देते हैं इसमें ना, ये कभी बच्चा है ना। अच्छा 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 अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजफ अली सर। नजफ अली, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, थैंक यू सर। आप जब यहाँ ना, जब ये पाकिस्तान का गाँव होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है की अब यहाँ पे कोई आता नहीं है त्यापसी में, क्योंकि ना जब लास्ट टाइम हम आए थे तो थांग में एंट्री नहीं थी, त्यापसी में एंट्री थी। लेकिन अब त्यापसी में ना हमें कोई एक सिंगल बंदा नहीं दिखा, लेकिन बस जब हम आए ना, और यहाँ के लोग भी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि टूरिज्म को लेकर सीरियस है, क्योंकि
पहले जब हम लास्ट टाइम आए थे तो लोग काफ़ी अच्छे से ग्रीट कर रहे थे, काफ़ी लोग भी दिख रहे थे, काफ़ी लोग भी थे गाँव में, लेकिन इस टाइम अब कोई नहीं है गाँव में। देखो यार, आज तो हम आपको पाकिस्तान नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कल हम लोग ना आपको लेके जाएंगे थांग गाँव में। थांग गाँव ना वो चोटी, वो जैसा कर्व है ना, कर्व के थोड़ा उस तरफ है, तो 9 से 5 एंट्री होती है। आज तो हम लोग 5:30 करीब पहुँचे थे, तो हम अंदर नहीं जा पाए। कल हम आपको लेके जाएंगे और वहाँ से ना पाकिस्तान बहुत पास दिखता है, और उस गांव की ना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मतलब उस गांव के जो लोग हैं ना, कई लोग अभी भी पाकिस्तान में हैं, कई लोग इंडिया में हैं, वो स्टोरी मैं आपको कल ही बताऊँगा, तो ही मज़ा आएगा। देखो ना सर, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, तो सिविलियन भी बढ़िया है और फौज भी बढ़िया। बिल्कुल, अगर सिविलियन थोड़ा गलत हरकत करेगा तो फौज भी गलत करेगा। यहाँ पे तो बिल्कुल सब सब भाई भाई जैसा है, यहाँ पे फौजी के साथ हम कंधे से कंधे मिला के चलता है। के ऊपर ये रास्ता जो देखा है, अच्छा हाँ, इसके ऊपर है वो लाल मिट्टी जैसा है, लाल मिट्टी जैसा ऊपर। हाँ, उधर जो है अपना इंडिया का पोस्ट है, कैमल पोस्ट बोलता है, उससे आधा घंटे का रास्ता है नीचे, उधर पीछे जाके उधर जो है जोगी बोलता है। हमारा हम जो है फौज का सेवा जो है, यहाँ जो रास्ते रास्ते जो है हम गधे के ऊपर लोड चढ़ा के जाता है, पानी राशन सब कुछ सेवा हम करता है। 99 के जैसे लड़ाई में इतना गोला जीता, इतना गोरा जीता, फिर भी हमने रात को बिल्कुल सीना तान के फौज का सेवा, बिल्कुल मैं उस टाइम मैं खुद चला था यहाँ से, ऊपर से शेलिंग आता था, गोला गिरता था, सामने लगता था, पाकिस्तान के सर से आता था, हम ऊपर फौज को राशन पहुंचा के रात को 2 बजे वापस। सेवा गिने हुए ना बिल्कुल टाइम निकल जाएगा बहुत। जो ये स्कूल जो है पाकिस्तान का है, बिल्डिंग जो है पाकिस्तान ने बनाया था, इसमें जो है पढ़ाई शढ़ाई अपना इंडियन ने किया है। अभी तो फिलहाल बंद है सर, क्योंकि अभी नहीं रहता इसमें, अभी यह स्कूल अपग्रेड हो गया ना, अभी हायर सेकेंडरी बन गया ये वाला, तो ये नीचे गया, इसका बिल्डिंग बड़ा तो आर्मी वाले जो पाकिस्तान तो नहीं गया, अभी रास्ते रास्ते तो मैं तो बहुत बार गया, उधर अपना कैंप है ना फौजी, ऊपर से तो सामने दिखता है, ऊपर जब हम जाते हैं ना थोड़ा आगे जाएगा तो ऊपर से पत्थर मारता है हमको। कौन मारता है पत्थर? पाकिस्तान अभी मारता है, अभी मारते ना नजदीक, कैसे मार देते? अरे ये तो छोड़ ना भाई, इससे आगे जाके बिल्कुल नजदीक में है। हाँ, यहाँ से नीचे को इसी पहाड़ पे, हाँ इस पहाड़ के ऊपर पाकिस्तान है। हाँ, ऊपर से वहाँ से दिखता है पाकिस्तान साफ, बिल्कुल सामने, लोग तो थोड़ा कम दिखता है, गाँव दिखता है। अरे क्या है सर, ये हमारे यहाँ 6 महीने ऊपर 6 महीने नीचे इसलिए बैठते हैं, सर्दी में हमारे को यहाँ बर्फ़ पड़ता है, तो हम 6 महीने फिर गर्मी में इधर आ जाता है, उधर ज़्यादा गर्मी हो जाता है। जब 1971 में जब वॉर हुआ था, तो इंडियन आर्मी ने ये 2-4 गाँव है यहाँ पे, एक ये वाला एक टैक्सी है, ठीक है, एक तुरतुक था जो पीछे रह गया, ये पहाड़ी के पीछे थांग गाँव है, तो ये चारों गाँव पहले इंडिया पहले पाकिस्तान के पास थे, लेकिन जब इंडिया ने 1971 वॉर में हमला किया था, तो इंडिया ने अपने पास ये कर लिए थे गांव। 1991 में मतलब 20 साल बाद दोबारा वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो जब 20 साल बाद दोबारा वॉर हुआ था ना, तो यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने इंडियन आर्मी का पूरा सपोर्ट किया था, मतलब कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी का सपोर्ट किया था, जो क्योंकि जो ऊपर चौकियाँ हैं ना वहाँ तक इंडियन आर्मी अपना जो राशन है जो सामान है वो खुद लेके नहीं जाते थे, जो यहाँ के लोकल थे ना वो गधे में खच्चर में इंडियन आर्मी के लिए सामान लेके जाते थे ऊपर। अच्छा, आप मेरे पीछे देखोगे ना, इस तरफ पहाड़ी पे इस तरफ हमारी इंडियन आर्मी की काफ़ी सारी चौकी हैं, मतलब ये जो चोटी है ना, चोटी के उस तरफ भी चौकी है, और यहाँ पे आप देखोगे ना ये जो ऐसे रास्ता जा रहा है, इस रास्ते से थोड़ा सा आप ऊपर जाके 100 मीटर 400 मीटर ऊपर जाके एक पॉइंट है, चौकी है इंडियन आर्मी की, उसको कैमल पॉइंट बोलते हैं, इंडियन आर्मी की हमारी चौकी है, और उसी चौकी से थोड़ा सा 400 मीटर नीचे जाएंगे, मतलब पाकिस्तान की तरफ को तो एक नीचे चौकी है, उसको जोगी चौकी बोलते हैं। और एक लोकल भाई हमें यहाँ पे बता रहे थे, अभी एक भाई हमको मिले थे, वो बता रहे थे कि भाई वहाँ से ना पाकिस्तान इतना पास है कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं ना, पाकिस्तान वाले पत्थर मारने लगते हैं वहाँ से, मतलब ये रहेंगे तो पत्थरबाजी हमेशा। हेलो, क्या नाम है, नाम बताओ पहले। ओके, इसको देखियो, इतनी बेटा 3 हाथ में ले लो सारी ले लो। हेलो तो कर दो ऐसे एक बार, ये तो बोल ही नहीं रही है इसमें ना, तो मैं आपको दूंगा हेलो करना, ठीक है? थैंक यू। एक ही चीज़, हेलो। क्या बोला? बहुत अच्छा। ये छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ गांव के, जिन्होंने हमको एक प्यारा सा गाना सुनाया, अब इनको सबको एक एक सेंटर फुट मिलेगी, ठीक है? ठीक है भैया। एक तुम्हारा तुम्हारा, एक तुम्हारा, जब मैं 1-2-3 गाऊंगा, ठीक है? तुमने गाना तो सुनाया नहीं। मैं 1-2-3 गाऊंगा। हैं? आदिफा, तुमने गाना तो सुनाया नहीं। लू मता नहीं। आप लोग तो गांव के ही होंगे, तो आप लोग क्या मतलब जॉब वगैरह करते हो कि खेती बाड़ी यहाँ पे?
यहाँ तो खेती बाड़ी करता है, जॉब भी सब, करता है, सब लोग आप खेती बाड़ी टू इन वन कहाँ करते हैं जब आप कहाँ करते हैं जब तो यहाँ के ये टीचर हूँ टीचर गवर्नमेंट टीचर यहाँ पे स्कूल किधर है यहाँ दो प्राइमरी स्कूल है एक स्कूल यहाँ है एक नीचे है अच्छा और जो वो ऊपर है वो बंद है यहाँ वो पंजाबी वो स्कूल अभी नीचे शिफ्ट कर दिया अच्छा यहाँ पहले हाई स्कूल था अभी हायर सेकेंडरी अपग्रेडेशन हो गया तो वहाँ नीचे है हायर सेकेंडरी और एक आदमी स्कूल है बढ़िया इधर बर्फ भी पड़ती है गांव में बर्फ पड़ता है अच्छा चादर ट्रैक इधर ही है क्या नहीं चादर ट्रैक है नहीं वो किधर है वो तो जंस्कर में अच्छा वो जंस्कर में यहाँ पे एक वो भी होता है ना फेस्टिवल होता है इधर गांव में कोई फेस्टिवल तो दो तीन होता है यहाँ कौन सा यहाँ का फेमस फेस्टिवल कौन सा है यहाँ तो 21 मार्च को होता है फेस्टिवल 21 मार्च को कौन सा फेस्टिवल 21 मार्च को हमारा ये है कि हमारा नया साल है 21 मार्च को न्यू ईयर होता है 21 मार्च को हमारा उसको बोलते क्या है फेस्टिवल को नया साल ही बोलते हैं नारोस न्यू ईयर नारोज हो गया बहुत बढ़िया चलो कभी मौका लगेगा तो न्यू ईयर वाले टाइम पे आएंगे त्यागसी में सेलिब्रेशन होता होगा यहाँ पे बढ़िया सेलिब्रेशन होता है चलो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा अब नाम तो बताओ अपना क्या क्या नाम है तुम्हारा इधर आओ इधर तो आओ बात कर रहे हो क्या नाम है तुम्हारा आतिम माजिद और आपका रोहान अब्बास क्या बात है चलो यार वैसे ना हाँ मेरा नाम विकास है हाँ तुम्हें एक दिया है तो दो चाहिए ये लो चलो आज रुके हुए एक कैंप साइड में त्यागसी हिडन पैराडाइज कैसी है क्या है दिखाता हूँ प्राइस वगैरह सब बताऊंगा तो चलो भाई आपको अपना टेंट दिखाते हैं कि जिस टेंट में आज हम लोग रहने वाले ना वो टेंट अंदर से दिखता कैसे है ऐसा कुछ ये ना टेंट दिखता है और देखने में फील आ रहा है ना ये हमारा रूम है और ये बाकी ये हमारा वॉशरूम है वॉशरूम भी काफी नीट एंड क्लीन है ठीक है यहाँ पे आओगे ना तो 3000 में आपको रूम मिलेगा बाकी आप लोग बात करके और उस हिसाब से रूम वगैरह कम भी करवा सकते हो तो भाई 1-1.5 घंटे से ना हम लोग बस बातें ही कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ के जो लोकल्स हैं ना ये जो प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं तो उनके साथ बात करें भैया हमारे वैसे नाम आपका अजीज खान और ये भैया हमारे एक यहाँ पे हेलो भैया कैसे हो आप क्या नाम आपका अरुण अली तो ये भाई जी कारगिल के हैं तो आपके कारगिल में हम बहुत जल्द आएंगे है ना और आप तो यहीं के होंगे इसी गाँव के ये भाई नीचे जो बोलते ना इंडिया का लास्ट गाँव पंचतांग तो वो थांग और शायद त्यागसी के बीच में पड़ता है ना त्यागसी और थांग के बीच में पड़ता है छोटे सा गांव है कल का हम प्लान कर रहे हैं कल हमको ये वाले भैया ना सामने इनकी शक्ल देख लो कल के वीडियो में आपको ये भैया दिखने वाले हैं और ये भैया कल हमको घुमाएंगे थांग गांव और काफी लोकल से आप मिलवाओगे हमें जानते होंगे आप थांग में लोगों को है ना तो आपने हमको कल लोगों से मिलवाना है थांग के आज खाने में क्या बन रहा है कुछ ट्रेडिशनल बन रहा है कि मॉर्निंग में हम खिला देंगे मॉर्निंग में ट्रेडिशनल ठीक है भैया कल सुबह आपको दिखाएंगे कल्चरल की यहाँ का कल्चरल फूड क्या क्या होता है क्या बोलते हैं उसको बल्तिस्तान का किसिर बोलते हैं उसको भैया लोगों का ना गांव मतलब पाकिस्तान से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है तो जो पार्टीशन हुआ था वो तो आपके आपसे भी पहले हो गया होगा ना आपके बर्थ से पहले 1971 में अच्छा आप लोगों के रिलेटिव्स हैं उस तरफ मेरे बड़े पापा लोग उधर ही हैं बड़े पापा बोले थे ताऊ जी पापा के बड़े भाई वो पाकिस्तान साइड में उधर सर एक एक्समैन गोवा है गोपाली नाम का उनका पिताजी और माँ दोनों उधर ही है अच्छा से देखता है गांव उसी गांव में पाकिस्तान में अच्छा वो खुद इधर ही है उससे भी मिलवा देंगे तो चलो भाई खाना लग गया खाना खा लेते हैं चावल है और मिक्स वेज और दाल तो जब ये खाना स्टार्ट करते हैं मैं खाना दिखा देता हूँ कि हमको आज क्या क्या हम खाने में है चावल है और मिक्स वेज और दाल खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है खाने की खुशबू सुन के मेरी भूख बढ़ गई है यार खाना खाते लाजवाब है तो ना खाना खाते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं क्योंकि खाना खाते खाते ना ब्लॉक तो होगा नहीं मेरे से तो भाई लोग खाना पीना हो गया और खाना क्या औसम बनाया हुआ था मज़ा आ गया काफ़ी टेस्टी खाना था और भाई लोगों ने यहाँ पे लगाया तो बॉन फायर हुआ है लेकिन अब बारिश आने लग गया तो ये बॉन फायर तो बुझ ही जाएगा तो म्यूजिक व्यूजिक का मैं इंतजाम किया था और भैया जी हमारे लिए ना एप्रिकॉट भी लेके आए थे ये यहाँ पे बहुत होता है
हाँ बस अब चलेगा सर। माहौल तो बढ़िया बनाया था भैया ने, लेकिन बारिश हो गई यार, बहुत तेज बारिश हो रही है ना, ये रुकेगी? भैया ने बड़ा माहौल बनाया था, बढ़िया सा बॉन फायर वगैरह लगाया था, हमने सोचा था यार थोड़ा गपशप मारेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, लेकिन बारिश ने सारा मामला खराब कर दिया। बारिश बहुत तेज आ गई है, लग नहीं रहा कि रुकेगी। तो चलो यार इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं, आपसे मिलेंगे कल एक बेहतरीन से खूबसूरत से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल घुमक्कड़नेस। बाय बाय।